सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि इमिग्रेशन में होता क्या है। बहुत लोग बच्चे डर जाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं डर जाते हैं कि इमिग्रेशन में होता क्या है आखिरकार। तो इस वीडियो में आपके मैं डाउट्स क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ इमिग्रेशन पे, और आप कौन सी गलती ना करें। कोई कहता है कि डिपोर्ट कर देते हैं, हाँ वो कर देते हैं डिपोर्ट, बट डर घबराने की बात नहीं है। वो डिपोर्ट उन्हें करते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं और जिन्होंने बाय किए होते हैं आइल्स के सर्टिफिकेट, और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो 6 अप्रैल की थी और मैं लैंड हुआ था 7 अप्रैल को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे। तो हुआ क्या कि मैं एमिरेट्स से, मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, 43,500 की टिकट पड़ी थी मुझे। क्यों 43,500 की पड़ी थी? क्योंकि मैंने 3 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था, मैंने टिकट बाय कर ली थी। तो गाइस, आपको ख्याल किन किन चीज़ों का रखना है। सबसे पहले आपकी आती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, इमिग्रेशन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप एट ए टाइम दिखा सको, ताकि आपको स्टडी परमिट एज वेल एज सिन नंबर भी मिल जाए, ठीक है। तो मेरे केस में मुझे स्टडी परमिट ही मिला था, सिन नंबर इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस दिन वो संडे था, वो संडे का दिन होने के कारण मुझे सिन नंबर उस वक्त नहीं मिला। तो हुआ क्या कि मुझे सिन नंबर नहीं मिला, तो मैंने सिन नंबर सर्विस कैनेडा से लिया, वो ऑफ द टॉपिक है। पहले इमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन में आपके पास होने चाहिए ऑफ़र लेटर, ऑफ़र लेटर के बाद आपके पास होना चाहिए कॉलेज फ़ी रिसिप्ट जो आपने कॉलेज में पे की है, ठीक है। कॉलेज पे रिसिप्ट अगर आपने पे कर दिया, पेमेंट किया, उसके वो आपको रिसिप्ट मिलती है। फ्लाई वायर से पे किया हो, वायर ट्रांसफ़र से पे किया हो, या एजेंट के थ्रू पे कराया हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लाई वायर की रिसिप्ट हो गई आपके पास, ठीक है, कॉलेज की रिसिप्ट, ऑफ़र लेटर हो गया, ठीक है। और आपके पास जो आपको एक क्या कहते हैं, अब तो बायोमेट्रिक्स आ गया है। जिन बच्चों ने 14 दिसंबर से पहले अप्लाई किया उन्हें बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत थी, मेरा भी बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ था। जिन्होंने बाद में अप्लाई किया वो बायोमेट्रिक्स की मेल आती है उन्हें, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, VFS ऑफिस से, जहाँ से भी आपका वीज़ा लग रहा है, ठीक है। बायोमेट्रिक्स हो गया, आपका वीज़ा ग्रांट जब हुआ था, एक दो मेल्स आती हैं, दो मेल्स आपको आएंगी जी सी की पे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो ज़रूर लॉगिन करिएगा, अपने एजेंट को कांटेक्ट करिएगा। जी सी की एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना PR एवरीथिंग स्टेटस जान सकते हो, कितने दिन लगेंगे, कहाँ पे आपका प्रोसेस, स्टेटस कितना रह गया है, कितना हो गया है, वो सारा उसमें जी सी की में बता देते हैं, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक तो आपका पासपोर्ट ऑब्वियस, ठीक है। फिर सेकंड है स्टडी परमिट आपका होना चाहिए। स्टडी परमिट एक पेज टाइप होता है, उसमें लिखा होता है यू आर वेलकम टू कनाडा फॉर द स्टडी, ठीक है। वो आपको मेल आती है, उसे कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप इजीली इस वीडियो को, मतलब अगर आप पूरा नहीं देख सकते, जल्दी में हो, तो आप इसे स्किप करके डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, कितने साल का है, आपने कितनी फीस भरी है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो जो पूछेंगे बता दो, ठीक है। सबसे पहले एक तो लंबी लाइन होगी, लाइन ऐसे होगी जिगजैग करके, ठीक है, उसमें वो लगे होते हैं सेपरेटर्स टाइप समथिंग लगे होते हैं। वो इंडियंस का अलग होता है इमिग्रेशन का, और फॉरनर्स का अलग होता है, और PR वालों का अलग होता है। तो हमने इंडियन पासपोर्ट वाले में जाना है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट, तो एक येलो लाइन होती है, हमें उसके पीछे खड़े रहना होता है, जब वो बुलाएंगे तभी हमें जाना होता है, ठीक है। जितना वो पूछे उतना ही बताओ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे आप उल्टा फंस जाओगे, ठीक है। एक ऐसा केस हुआ था कि एक बॉय था, वो ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, ये वो फिर उसने बोला कि वाई आई विल लाइक एंटर यू अलाउ यू टू इन माई कंट्री, वाई आई अलाउ यू इन माई कंट्री, क्यों अलाउ करूँ हम, तो फिर इस कॉलेज को क्यों चुना। आप जैसे आप मतलब जरा भी हड़बड़ाए या मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे, तो वो और क्वेश्चंस पूछने लग जाए। जब जनरली बता दो कहाँ जाना है, अपने कौन सा कोर्स है, कितनी ड्यूरेशन है, कितनी फ़ीस भरी है, कौन सा एड्रेस है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं, अगर आप अकेले आए हो, कॉलेज पिकअप कर रहे हो, अकोमोडेशन का आपने इंतजाम किया है नहीं किया है, कि जाके करोगे, आप करोगे क्या सबसे पहले, ठीक है। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे।
तो इमिग्रेशन पे ज़्यादा खास नहीं होता, जो मैंने आपको बताया यही सब होता है, ठीक है। और डिपोर्ट किस चीज़ में होते हो आप ध्यान से सुन लो, डिपोर्ट तब होगा बंदा जब वो जेन्युइन नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो दो नंबर से आते हैं, दो नंबर इन द सेंस जिनके GIC लाइक अपने अकाउंट से नहीं जाती, वो दो नंबर नहीं कह सकते, बट वो लाइक इलीगल होता है। लीगल होना चाहिए कि हमारे जो हमारे अकाउंट से जाने चाहिए पैसे, ठीक है। सेकंड IELTS का सर्टिफिकेट बहुत लोग खरीदते हैं, पता नहीं क्यों खरीदते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। IELTS इज़ वेरी इजी और बहुत ही नेसेसरी है आपकी लाइफ में, बिकॉज अगर आप IELTS नहीं करोगे आप कहीं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कहाँ कहाँ मुँह छुपाते फिरोगे, आपको जॉब पर भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, किसी से बात करना होगा तब भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको IELTS करनी है, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने से पहले 100 बार सोचो। 100 बार सोचने से ये होगा लाइक मतलब पहले सोचोगे ना तब आपको फ़ायदा होगा। हालांकि कई लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, पर डॉक्यूमेंट्स कभी फेक ना लगाओ। तो मेरी यही रहेगी इमिग्रेशन की, मेरी यही स्टोरी थी कि क्या होता है इमिग्रेशन में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, ठीक है, मुझे बताइए और मैं आपको और आंसर्स दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।